प्रिय छात्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी साधक श्रृंखला में। मैं हूं संदीप मानुधने और आइए आज का संपादकीय लेख समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रत्येक अंक में एक एडिटोरियल लेकर उपस्थित होते हैं, एक संपादकीय लेकर आते हैं और आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, यानी शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति, न केवल उसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं वरन उसके पीछे छुपी हुई अवधारणाओं को भी बताने का प्रयास करते हैं। इससे काफी लाभ होता है और आपका बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। हमने आपसे कहा है कि हिंदू अखबार द हिंदू इन हिंदी का हमारा कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। हिंदू के संपादकीय पृष्ठ का पूरा शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति समझाना, वो होगा हमारा कोर्स। रोजाना एक सेशन होगा, सप्ताह में 5। उस कोर्स की जानकारी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। बस आप हमारा ये सीरीज अभी फॉलो करते रहिए, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा और वो ऐसा अद्भुत कोर्स, वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया होगा, जो आज तक किसी ने अभिकल्पित नहीं किया। नो वन हैज कंसेप्चुलाइज्ड दैट। और हम आपके प्रतिदिन के कई घंटे उस कोर्स में बचा देंगे, यह हमारा वादा है। एनीवे, आज का काम शुरू करें साथियों। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लेकर आए हैं। ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया। आज ही का अखबार है तो आज है 26 मार्च। संपादकीय पृष्ठ क्रमांक 10 पर आ जाएं। ये अखबार ऑनलाइन वेब फॉर्मेट में फ्रीली अवेलेबल है और आप अपनी कॉपी खरीद के भी पढ़ी सकते हैं। तो मैं आ चुका हूं पृष्ठ क्रमांक 10 पर। आई एम ऑन पेज नंबर 10। ये रहा पेज नंबर 10 और इसके ऊपर 3 एडिटोरियल्स है। तीसरा एडिटोरियल जो है वो ह्यूमरस है, उसको अभी अवॉइड करेंगे, दूसरे से हम शुरू करते हैं। आइए एडिटोरियल नंबर 2 पर चलते हैं, द फेयरनेस टेस्ट। तो ये फेयरनेस वो चमड़ी वाला फेयरनेस नहीं है जो भारत में हजारों करोड़ों का व्यापार है। बात तो हम करते हैं कि हम एक समता परक समाज बनाएंगे, इगैलिटेरियन सोसाइटी, लेकिन जहां कोई हमें गाजर दे देता है कि ये ले ले, तेरी चमड़ी थोड़ी गोरी हो सकती है, तो हम भाग पड़ते हैं उसके पीछे। तो ये वो वाला फेयरनेस नहीं है, ये फेयरनेस है उचित अनुचित वाला फेयरनेस। तो ये कौन सा परीक्षण हो रहा है? क्या ये एक उचित व्यवहार है? इसका परीक्षण, तो उचितता का परीक्षण। ईसी मस्ट लर्न फ्रॉम द एचसी डिसीजन टू सेट असाइड इट्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 20 आम आदमी पार्टी एमएलएस। चुनाव आयोग को उच्च न्यायालय के निर्णय से अब ये सीखना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी, जो निर्णय आया आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को आपने अयोग्य घोषित किया था उस बाबत, तो उस निर्णय से जिसमें उस अयोग्यता को हटा दिया गया, उस बाबत चुनाव आयोग को सीखना चाहिए। टेक्निकल इशू है, समझते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट लास्ट वीक सेट असाइड अ जनवरी डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन विच डिस्क्वालिफाइड 20 आप एमएलएज फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह भारत के चुनाव आयोग के जनवरी के एक निर्णय को, जिसमें उसने 20 आम आदमी पार्टी के विधायकों को लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया था, उसे खारिज कर दिया है। तो उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस निर्णय को खारिज किया। समझ में आ रहा आपको? द कोर्ट्स जजमेंट डज नॉट एंटायरली क्लियर आप एज ईसी विल वंस अगेन हियर आर्ग्यूमेंट्स टू डिटरमिन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉर्म्स एंड डिसाइड इफ आप लेजिस्लेटर्स वायोलेटेड द लॉ। हालांकि न्यायालय का जो निर्णय है वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग को यह बोला गया है कि लाभ के पद से संबंधित मापदंडों पर आधारित तर्कों का पुनर्परीक्षण किया जाए और उसके पश्चात ये तय किया जाए कि क्या आम आदमी पार्टी आपके विधायकों ने कानून तोड़ा। बट द वर्डिक्ट डस रेज एन इंपॉर्टेंट इश्यू अबाउट ईसीज फंक्शनिंग। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस निर्णय ने, बड़ी बात मैंने जोड़ा अपनी तरफ से, कि इस निर्णय ने, उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है।
Its disqualification of the AAP legislators was set aside for failing to comply with the principles of natural justice and fairness. चुनाव आयोग का निर्णय आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने का इसलिए खारिज किया गया क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय और न्यायोचित होने की दशा का उल्लंघन था। तो ये तो बहुत गंभीर आरोप ही है एक तरह से। द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस, अर्थात प्राकृतिक न्याय और किसी चीज का न्याय संगत होना, इन मूलभूत सिद्धांतों को ही चुनाव आयोग ने उड़ा के रख दिया था। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को खारिज किया। किसी भी तकनीकी मुद्दे में तो वो गया ही नहीं। सो वेन एवर समबडी सेज दैट यू हैव वायलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट इज अ फार डीपर इंडाइटमेंट रादर देन ऑन सम टेक्निकल इश्यू। प्राकृतिक न्याय की अवहेलना एक कहीं गहरा आरोप होगा बजाय सिर्फ तकनीकी बातों के, समझ रहे हैं ना। ईसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्शंस इन अ फ्रैक्चरस डेमोक्रेसी। हमारी कई गुटों में बटे हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रशासन करवाने की जिम्मेदारी ली हुई जो संवैधानिक बॉडी है, निकाय है, वो है चुनाव आयोग। बाय एनी यार्डस्टिक, किसी भी मापदंड से, इट हैज डन अ गुड जॉब, उसने काम तो अच्छा किया है। इन पार्ट ड्यू टू ईसीज इनिशिएटिव सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स, मैल प्रैक्टिसेस लाइक बैलेट बॉक्स स्टफिंग हैव बीन फेस्ड आउट एंड इलेक्शन वर्डिक्ट्स ट्रूली रिप्रेजेंट द इलेक्टोरेट्स मैंडेट। कुछ हद तक चुनाव आयोग द्वारा ली गई कुछ पहलुओं की वजह से, जैसे कि बैलेट बॉक्स स्टफिंग, पहले होता था कागज पे चुनाव होते थे, मतपत्र कागज के होते थे, तो गुंडे कब्जा कर लेते थे बूथ पर और उस डब्बे को स्टफ कर देते थे, भर देते थे, वो प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। ये सब टीएन सेशन के समय से सख्ती शुरू हुई थी 1990s में, और आज के जो चुनाव के नतीजे हैं, अखबार कहता है, वो वाकई में हमारे लोगों के मन में जो एक विचार है, इलेक्टोरल मैंडेट सही अर्थ में प्रतिबिंबित होता है, ये समझ गए। Such innovations are often criticized by the losing political parties. तो इस तरह के जो नवाचार होते हैं EVM जैसे, वो हारने वाले दल हमेशा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। इन्होंने तो आरोप भी लगा दिया। One of the reasons the charges failed to stick is that EZ has, through its conduct, come to be seen as an impartial referee. लेकिन इस तरह के आरोप जो हारने वाला लगाता है, वो आज तक बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लिए गए दुनिया के द्वारा, ब्रॉडर जनमानस के द्वारा, क्योंकि चुनाव आयोग के व्यवहार से आज तक ये एक प्रतिष्ठा बनी है कि वो एक निष्पक्ष अंपायर है। इट इज अ की इंस्टीट्यूशन इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के सुचारू परिचालन में ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अच्छा है ये एडिटोरियल, काफी अच्छा है, बहुत सारे इंसाइट्स हमें इसमें मिल रहे हैं। This hard-won reputation takes a beating upon judicial verdicts such as the one which came from the High Court. ये जो आपने दशकों में एक इज्जत कमाई है, इस इज्जत को जब उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय आते हैं, बहुत गहरा धक्का लगता है। हम आज का टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं साथियों, 26 मार्च का। The criticism of EC was not about an arcane legal technicality. चुनाव आयोग की जो आलोचना उच्च न्यायालय ने की, वो कोई एक बड़ी छोटी सी बारीकी तकनीकी किसी भी एक विषय के ऊपर नहीं की गई। इट्स डिसीजन टू डिस्क्वालिफाई आप लेजिस्लेटर्स वाज सेट असाइड बिकॉज इट फेल्ड टू गिव देम एन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देयर केस। तो ये तो बहुत गंभीर आरोप है चुनाव आयोग के इस निर्णय को, जिसमें उन्होंने आप विधायकों को खारिज कर दिया था, उनकी सदस्यता को इसलिए रद्द किया गया निर्णय को, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन आप विधायकों को अपना मामला तक सही ढंग से उनके सामने पेश करने की इजाजत तक नहीं दी। तो ये तो चुनाव आयोग थोड़ा ऐसा लग रहा है पक्षपाती कार्रवाई कर गया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईसी टू नॉट जस्ट बी फेयर बट ऑल्सो टू बी परसीव टू बी फेयर। ये चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण है कि वो न केवल निष्पक्ष और तटस्थ रहे, वरन निष्पक्ष और तटस्थ दिखे भी। This aspect is critical because it is directly linked to the credibility of Indian democracy.
तो ये पहलू महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र के जीवंत होने से ही जुड़ी हुई बात है, समझ में आ गया, और उसकी पूरी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी इसी के साथ जुड़ी हुई है। वन ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन हैज टू डू बेटर टू लिव अप टू इट्स वेल फाउंडेड रेपुटेशन। तो भारत की एक सबसे शानदार संस्था को अपनी इतनी मेहनत से कमाई हुई प्रतिष्ठा के मानकों के हिसाब से अभी कहीं और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यह था हमारा आज का संपादकीय लेख द फेयरनेस टेस्ट, अर्थात आप क्या न्याय संगत व्यवहार कर रहे हैं इसका परीक्षण। यह समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं ये मैंने सरल बना के आपको समझाने में थोड़ी सफलता हासिल की। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया से था। बहुत जल्द द हिंदू इन हिंदी का हमारा कोर्स भी शुरू होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस सेशन को यदि आपने लाइक किया है तो शेयर भी करें और कमेंट थ्रेड में आपके विचार इस मामले पर क्या हैं हमारे साथ आगे बढ़ के शेयर करें। आप देवनागरी स्क्रिप्ट में भी बिल्कुल बिंदास लिख सकते हैं, हमें तो बहुत खुशी होगी, हमें भी और गजराज छोटे गजराज को भी बहुत खुशी होगी। आज के लिए हिंदी साधक में संदीप मानू होने की ओर से इतना ही। बहुत जल्द अगले अंक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद।